चुनाव प्रचार में फिल्में सितारों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बिहार में एलजेपी प्रत्याशी के प्रचार में आई अभिनेत्री अमीषा पटेल ने ऐसे आरोप लगा दिए कि खलबली मच गई। रोड शो करने आई अमीषा पटेल ने यहां तक कह दिया कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका रेप तक हो सकता था। अभिनेत्री अमीषा पटेल बिहार के औरंगाबाद के ओबरा में आई तो थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा ऑडियो बम फोड़ा कि बवाल मच गया। ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे, मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था। जी हाँ, ये वायरल वीडियो क्लिप अमीषा पटेल की बताई जा रही है, जिसमें अमीषा कह रही हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं आई थी बिहार इलेक्शन के लिए इन पटना एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी, कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे, मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था, उन्होंने केयर नहीं किया। अमीषा औरंगाबाद के ओबरा से एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के लिए रोड शो करने आई थी, लेकिन अमीषा ने अपने बयान से पूरे मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। उन्होंने मुझे धमकाया, उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे। मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेजी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे, मेरे जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। चुनाव प्रचार में सितारों की एंट्री के अपने मायने हैं। सभाओं में भीड़ खींचने के लिए सियासी दल बखूबी सितारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। अब अमीषा पटेल वाले मामले में ही अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। काम की बात करो, ये मैं काम की बात ये कर रहा हूँ कि मेरे को 10 ये बोल रहे हैं, मैं 10 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब उसको आप कैसे करके उसको कहेंगे? मैं तो अभी रात को करवा, प्रोफेशनल लोग हैं, जो अच्छा कर करना है वैसे ही करेंगे, तो जो नहीं, वो जैसे अभी मैं करा भी वहाँ करा देता हूँ। मैडम, कमिटमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा, इसके बाद मैटर क्लोज हो जाएगा और हम आपस में दोस्त बन जाएंगे, खत्म बात। ये पूरा विवाद प्रोफेशनल फीस को लेकर है या अमीषा पटेल के दावों में कुछ दम भी है, सवाल तमाम हैं और जब तक मामले में पूरा सच सामने नहीं आता, कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।